हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव। आज का जो वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अबाउट द मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट विच इज यूज्ड, जो कि बॉडी बिल्डर्स, फिजिक एथलीट्स, नॉर्मल जिम गोअर्स, कोई भी है जो जिम जाना जैसे शुरू किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट है ये। एक सप्लीमेंट का नाम है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके बारे में बात करेंगे आज। अगर आप फिट मसल टीवी पे नए हैं, प्लीज आई रिकमेंड कंसिडर हिटिंग द लाइक बटन, सब्सक्राइबिंग टू अस, एंड वी हैव मेनी मच मोर ग्रेट वीडियोज जो आप देख सकते हैं। सो ये टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है ये कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से क्या किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। नंबर दो, क्या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लगातार ले सकते हैं, कितने टाइम तक लेना चाहिए, फिर बंद करना चाहिए। सो ये सब क्वेरीज आज मैं आंसर करूंगा आपकी। गाइस, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जब बॉडी में जाता है उसका काम क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इतना ही बताऊंगा कि क्रिएटिन जब बॉडी में जाता है तो मसल सेल्स के अंदर स्टोर होता है वो, और मसल के अंदर वो क्रिएटिन की बजाय क्रिएटिनिन फॉस्फेट के फॉर्म में वो बॉडी उसको स्टोर करती है। और वो काम कैसे करता है, आपकी जो एटीपी होती है विच इज एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एक एडिनोसाइन मॉलिक्यूल समझ लीजिए ऐसा होता है, और उसमें तीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, सो 1 2 3, सो इसीलिए उसका नाम है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। सो जब आप वर्कआउट करते हैं जिम में, अपने आप को पुश करते हैं, तो उस एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो एटीपी है उसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल टूट जाता है, सो और वो उसमें दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल बचते हैं, सो इट बिकम्स ए डीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। सो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम इसीलिए होती है क्योंकि आपकी एटीपी कम होती जा रही है। सो क्रिएटिनिन जब बॉडी में क्रिएटिनिन फॉस्फेट की तरह स्टोर होता है मसल के अंदर, सो वो अपना एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एडीपी को दे देता है जिसके पास दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल थे, और वो फॉस्फेट इस पर जुड़ जाता है, एंड देन दैट एडीपी बिकम्स एटीपी। सो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, एंड यू हैव मच मोर रिजर्व्स ऑफ एटीपी बैक अगेन, और आपके पास यू विल बी एबल टू पुश 2 से 3 एक्स्ट्रा रेप आप निकाल सकते हैं जिम में। तो ये बेसिक फंडा है क्रिएटिन कैसे काम करता है। सो अभी अगर आप पूछेंगे क्या क्रिएटिन लेने से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं, सो किडनी में जब आप टेस्ट करते हैं एक फंक्शन, जो आप एक यूनिट होता है वो होता है क्रिएटिनिन का। आप जब यूरिन टेस्ट करते हैं या किडनी टेस्ट करते हैं, किडनी का टेस्ट ब्लड से होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं उसको, सो उसमें लैब रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं, ना कि आप क्रिएटिन टेस्ट करते हैं। सो क्रिएटिनिन के लेवल अगर ज़्यादा हैं तो डॉक्टर्स आपको बोल के, रिपोर्ट देके सीधा सीधा बोल देंगे कि आपकी किडनी में शायद प्रॉब्लम है, ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रही है आपकी किडनीज। बट अगर ऐसा है, जो लोग एक्स्ट्रा क्रिएटिन लेते हैं उनके साथ, तो क्या वो सही है, क्या सही में उनकी किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही। गाइस, हर बॉडी की एक लिमिट होती है कि वो कितना क्रिएटिनिन फॉस्फेट स्टोर कर सकती है। अगर आप 70 किलो के हैं तो शायद कम कर पाएंगे क्योंकि आपकी मसल्स उतनी कम है, 80 किलो के हैं तो ज़्यादा कर पाएंगे, 90 के हैं तो और ज़्यादा, 100 के ऊपर हैं तो आपका मसल मास बहुत ज़्यादा होगा और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन फॉस्फेट स्टोर कर पाएंगे। सो लेट्स से मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, आई टेक 5 grams ऑफ क्रिएटिन इन अ डे, सो मेरी बॉडी उतना स्टोर कर लेती है बिकॉज आई एम अ बिग गाय। राइट नाउ आई एम वेइंग क्लोज टू अबाउट 97 किलो, तो उतना मेरी बॉडी स्टोर कर लेती है क्रिएटिनिन, और शायद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचता तो वो एक्स्ट्रा एक्सक्रीट नहीं कर पाती। अब अगर आपका वेट है 60 किलो या 65 किलो और आपने क्रिएटिन का नया नया डब्बा खरीदा, किसी ने आपको बोला कि भाई आपको 10 ग्राम या 15 ग्राम लेना है, हो सकता है आपकी बॉडी 5 ग्राम में ही सैचुरेट हो जाए और वो एक्स्ट्रा 10 ग्राम या एक्स्ट्रा 5 ग्राम आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। सो उस केस में आपके जो लिवर रिपोर्ट्स आएंगे, सॉरी किडनी रिपोर्ट्स आएंगे, वो एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन आपका शो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, आपकी किडनी के साथ प्रॉब्लम है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल क्रिएटिन ले रहे हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए, नंबर वन, अपना क्रिएटिन पहले तो आप लो कर दीजिए, आधा कर दीजिए, और हफ्ते भर तक उसको मॉनिटर करिए, फिर जाके टेस्ट करिए ठीक होता है कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, नहीं होता फिर उसको और कम करिए। यू हैव टू फाइंड अ रेंज, अ लिमिट, जहां पे आप जितना आप ले रहे हैं बॉडी आपकी उतना एक्सेप्ट कर ले। अच्छा, नाउ
अगर किसी का क्रिएटिनिन सही में हाई आ रहा है और अगर वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंटल क्रिएटिन नहीं ले रहा, तब उसकी किडनी के साथ प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी डॉक्टर्स देखते हैं अपने ब्लड टेस्ट में या लैब रिपोर्ट्स में या यूरिन टेस्ट में, जो क्रिएटिनिन जिनका हाई आता है, जो उनको पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स को, उनको बॉडी बिल्डर्स के ऊपर आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई, सप्लीमेंटल एथलीट्स जो लेते हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई। जितनी भी रिसर्च होती है ये जो डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, दिस इज फॉर एवरेज जनता। जो 99.9% ऑफ द पीपल हैं वो शायद सप्लीमेंट्स नहीं लेते, वो जिम जिम जाते हैं, बट उनको इतना सप्लीमेंट्स का रिकमेंडेशन नहीं होता। तो ये जितनी भी रिसर्च हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये सब रिसर्च करता है, सारे पैरामीटर्स वो सेट करता है कि किस रेंज में किसका क्या होना चाहिए। सो उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं कि वो तो ये मान के चलेंगे कि आप क्रिएटिन नहीं ले रहे, बट उनको अगर आपका क्रिएटिनिन हाई दिखता है दे विल जस्ट टेल यू कि आपका किडनी में प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड चीज आती है कि आप क्रिएटिन कितनी टाइम तक लगातार ले सकते हैं। गाइस जैसा मैंने कहा, अगर आप 5 ग्राम क्रिएटिन जितना भी आपकी बॉडी होल्ड कर सकती है उतना ही ले रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन देर इज नो नीड टू साइकिल क्रिएटिन। मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं 2 महीना ले लो फिर 1 महीना बंद कर दो, फिर 2 महीना ले लो 1 महीना बंद कर दो, बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, देर इज़ नो साइंस, देर इज़ नो रिसर्च डन ऑन दिस कि क्रिएटिन अगर आप लगातार लेंगे तो बॉडी पे कुछ उसके हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे। हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टेकिंग क्रिएटिन, आपको पानी भरपूर पीना पड़ेगा, बॉडी को बहुत हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा और तभी क्रिएटिन काम भी करता है। अगर आप क्रिएटिन ले रहे हैं और पानी नहीं पियेंगे तो आपको क्रिएटिन का इफेक्ट भी उतना नजर में नहीं आएगा। सो ये चीज है, आप क्रिएटिन कभी भी ले सकते। मेरा मैं कैसे रन करता हूं, आई टेक यूजली क्रिएटिन 2 ढाई 3 महीने तक, उसके बाद नॉट ऑन अ पर्पस। अगर मैं कहीं बाहर वेकेशन पे जा रहा हूं या कहीं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे जा रहा हूं या आई वॉन्ट नॉट टेक अ ब्रेक फ्रॉम माई डाइट, देन आई स्टॉप क्रिएटिन ऑल्सो, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कैरी नहीं करना चाहता जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, प्लस एक थोड़ा ब्रेक मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज उसका यह है कि हाँ, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आपने 15-20 दिन का ब्रेक लिया, फिर आप दोबारा जब जिम में आते हैं तो दोबारा क्रिएटिन स्टार्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है आपको, तो एक मेंटली भी बूस्ट मिलता है। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू टेकिंग क्रिएटिन, आप साल भर लेना साल भर लीजिए, कोई इसमें नुकसान वाली बात नहीं है। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू फॉर क्रिएटिन। क्रिएटिन अगर आप लेते हैं ज़्यादा उसको कम करिए, अगर आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन लेते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई आएगा या आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन ले रहे हैं आपका क्रिएटिनिन लेवल हाई आता है, इसका मतलब बॉडी आपकी उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, उसको कम की जरूरत है, थोड़ा अपना लेवल कम कर दीजिए क्रिएटिन का एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। नंबर टू जो मैंने कवर किया, क्रिएटिन को साइकिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मिथ है। यू कैन टेक क्रिएटिन 24/7 365। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो फिट मसल टीवी, थैंक यू वंस अगेन फॉर शोइंग अस लव एंड सपोर्ट, and I'll keep covering such topics. Until next time, we meet again. Take care. Bye-bye.